हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले हैं कि पटना में जो आरपी शर्मा कॉलेज है उनके बारे में बनाइए वीडियो। मैंने देखा कि ठीक है, बता देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बता देता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले एक ये काम करना होगा कि मुझे आप लोगों को सपोर्ट करना है। सपोर्ट क्या करना है कि मेरे चैनल पर जाइए, नीचे वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पर बेहिजक वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, और पीसीएम का अभी काउंसलिंग का डेट नहीं आया है, ठीक ना। पीसीएम का काउंसलिंग का डेट अभी जल्द ही आने वाली है। मेरे हिसाब से 15 तारीख या 16 या 14 तारीख के आसपास आ जाएगी। आप लोग जितने आए हैं फ्रेंड से या स्टूडेंट से, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयारी कर लें, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये है आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हैं फोटो में, ठीक ना। बहुत ही सुंदर कॉलेज है, लेकिन ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक। पहले इसके देख लेते हैं फोटो, ये सब इंस्ट्रूमेंट है इसका, ये सब पूरा इसके बारे में देख लीजिए। आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट बहुत देखने में बहुत ही सुंदर है, ठीक है। लेकिन ये अब जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, इसमें देखते हैं, इस्टेब्लिश ईयर 1980 में बनी थी ये, लेकिन ये ऑनरशिप प्राइवेट है, हमेशा याद रखिए, ये ऑनरशिप प्राइवेट है, ना कि गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अप्रूवेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब देखो जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है ना, सबको मतलब कि अप्रूव्ड बाय देता है, मतलब उसको मान लीजिए क्या बोलते हैं, मतलब कि लाइसेंस अप्रूवेड जितना भी देता है, AICTE करता है, ठीक है, समझ रहे हैं, कैंपस है जैसे। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज, ध्यान रखना। फैकल्टीज देख लो, फैसिलिटीज़ क्या है यहाँ पे देखते हैं। बॉयज हॉस्टल्स, स्पॉट, वाईफाई, लाइब्रेरी, एडिटोरियम, कैफेटेरियन, ट्रांसपोर्ट, आईटी, मेडिकल, ये इतना चीज़ की सुविधा देती है लेकिन कॉलेज आरबी शर्मा, ठीक है। इसमें टोटल फैकल्टी, अब इन कॉलेज देख लीजिए, इसमें फैकल्टी की संख्या 112 बता रही है, ठीक ना। मुझे तो अप्रोक्स पता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बता रही है। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो 20:1 है, ठीक है। और इसमें कोर्स 5 कराई जाती है, लेकिन सबसे पहले आपको देख देते हैं ये सब, तो प्लेसमेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट 5 में से 1.0 है, ठीक है। फैसिलिटी 5 से 1.0 है। कॉलेज लाइफ सब 1.0 है। इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स मतलब 5.10 है। और इंफ्रेक्चर मतलब 1.0 है। रॉस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज पटना, एक वन लड़का संदीप कुमार बोला है कि रॉस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन पटना है, कमेंट दिया है ये लड़के ने, ठीक ना। नेवर टेक एडमिशन इन कॉलेज इन दिस कॉलेज हैव ए नॉट, देखिए कमेंट पूरा मैं पढ़कर दिखाता हूँ। बोला कि नेवर टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, दिस कॉलेज हैव ए नॉट एनी क्वालिफाइड टीचर एंड प्रोफेसर, सो नो लैब फैसिलिटी नथिंग, दिस कॉलेज नेवर पार्टिसिपेट इन प्लेसमेंट इन T0 स्टूडेंट हु वाज पासड फ्रॉम इन दिस कॉलेज इज इज ए फैकल्टी मेंबर। इफ यू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज यू विल रन योर लाइफ। एंड द रोस्ट थिंग ऑफ दिस कॉलेज इज द डैट इट हैव नॉट कैपेबिलिटी एंड क्लाइवर टू टेक द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम फेरी इन अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जाम इज टेकन द सीरियसली एंड फेयरली, सो नेवर टेक एडमिशन इन डैट द सेव योर वेरेबल टाइम एंड मनी, थैंक यू संदीप कुमार। देखिए संदीप कुमार जी ने कमेंट किए हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ना कराएं, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ना कराएं। ये कॉलेज में ना ही प्लेसमेंट अच्छी है, ना ही कुछ अच्छी है, ना ही कुछ और, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखते हैं, मैंने इसलिए बता रहा हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने वाले हैं, एडमिशन कराने से पहले सोच लें ये कॉलेज बहुत ही घटिया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ने, ये संदीप कुमार जी के कॉमेंट में कहना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कॉलेज कितनी अच्छी है, मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, बस मुझे तो जो जैसे जैसे नेट में बता रहा मैंने वैसे से आपको लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देख लेते हैं कोर्स की, सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कोर्स भी क्या होता है, ठीक ना। देखो इसमें एक कॉलेज के सीट भी देखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 120 सीट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का है 20 है। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब कि 120 है। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 60 है, प्लस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 60 है। इसमें फी भी देख रहे हैं 3.4, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंपनी सर, मतलब फी भी बता रहा है, मतलब मेरे हिसाब से इस कॉलेज को एडमिशन कराना ही बेकार है आप लोगों को, बस मैं बताने देता हूँ। लेकिन कितना कितना सीट है देख लेते हैं, पहले बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का फी लगता है मैक्सिमम 3.4 लाख के आसपास लगता है, मतलब इससे भी ऊपर लगता है, ठीक है, ये तो बता रही है अप्रोक्स में, लेकिन इससे भी ऊपर लगता है, मत इसमें एडमिशन करो ना ही टाइम वेस्ट करो, ठीक है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का 3.4 लाख से, और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 3.4 लाख से, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3.4 लाख से, मतलब टोटल कोर्स की संख्या नंबर लगता है 3.4 लाख। लेकिन मेरे हिसाब से कहेंगे कि मत एडमिशन कराओ तो वही फैर, ठीक है, क्योंकि इसमें ना
फैकल्टी जो होता है सब स्टूडेंट ही रहता है, ना ही टीचर, ना ही ये सब चीज़ का मतलब कि इसमें कुछ ही कराया जाता है। देखो यहाँ पे बताता है कि बिलो एवरेज मतलब कि 1 है, और रेटिंग 5 में 1.0, मतलब बहुत ही इसमें बहुत लो घटिया चीज़ का मान लीजिए आप लोग, कोई लाइक नहीं, कोई ये नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एडमिशन करा लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। ये रहा आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज। अगर आप लोगों के साथ किसी प्रकार कोई भी कॉलेज के बारे में चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके वीडियो बता सकते हैं कि मैं किस कॉलेज के बारे में बताऊँ, ठीक है। और आप लोग बता दो, अगर किसी प्रकार के आप लोगों को प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर नंबर भेज रखा है, कॉल करें, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा कहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।